कैसे हैं साहब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मसरी। मैं आपसे मसूर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड। तो ये मैं तो खाती नहीं हूँ, मेरी फेवरेट नहीं है, बट बाकी सबकी फेवरेट है, किसी न किसी की तो मेरे 1K में से भी फेवरेट होगी, पर मेरी नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। तो मैंने इसको 1 कप मसूर और धुआँ आ रहा है, 1 कप मसूर और उसमें मैंने तकरीबन 1 kg वाटर शामिल किया। वाटर ऐड करने के बाद मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है और 1 घंटे के बाद ये इस कंडीशन में आ चुकी है। ये देखें गाइस, 1 घंटे में इसको तकरीबन वेट करना पड़ा, 1 आधा घंटा। देसी तरीके से, पंजाबी तरीके से, बहुत ही सादा तरीके से ये मसूर हम आपको आपसे शेयर कर रहे हैं इसकी रेसिपी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी घी। घी आप अपने हिसाब से ऐड करें, मैं ज़्यादा चीज़ें घी और नमक मिर्च ये चीज़ें ज़्यादा ऐड करती हूँ, ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैं ज़्यादा ही ऐड करूँगी। घी जो है वो गर्म हो चुका है अच्छी तरह से। अब मेरे पास चॉप किया हुआ 1 बड़ा साइज का प्याज है, वो मैं ऐड करूँगी। मेरे मामू के बच्चों की फेवरेट है ये मसूर, वो बहुत शौक से खाते हैं। वो कोई सब्जियाँ नहीं खाते और ना कोई चिकन खाते हैं, ना बीफ खाते हैं। मेरे भाई की भी फेवरेट है, वो भी सेम ऐसे ही है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताना सिखा रही हूँ। ये सूखा धनिया और अदरक का पेस्ट है और इसमें मैं ये का इनको बारीक बारीक काटूँगी। 3 से 4 5 हरी मिर्च हैं। हरा धनिया की मौसम नहीं है, सीज़न नहीं है, वो गुजर चुका है। मैंने बहुत ही प्यारी सी एक खूबसूरत से बन जाती है हमारी मसूर इसके ऊपर हरा धनिया हो तो। प्याज जो है वो अपनी कंडीशन में आ चुके हैं, बस इतने ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करने प्याज को। ये देखिए फ्रेंड्स, बस इतने ही प्याज हमने इसको ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी जो हम बिना टमाटर के बना रहे हैं, आप भी बनाएं, ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। इतनी सादा सी और इतनी इजी सी रेसिपी है ये। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 चम्मच मिर्च। नमक मिर्च मैं अपने हिसाब से ऐड करती हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड करें, ज़रूरी नहीं जितना आप पसंद करते हैं ज़्यादा या कम, तो वो आप अपने हिसाब से ऐड करें। और इसके साथ ही हरा धनिया, हरी मिर्च और सूखा धनिया, अदरक का पेस्ट हो जाएगा हमारा भी इसके भी। और इसके साथ ही 1 चम्मच जो है वो नमक जाएगा और इसे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे अच्छी तरह से। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये मसूर और इसमें और भी पानी ऐड करूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी ये हरी मिर्च चार जैसे इसमें से कट किया हुआ। मैंने पानी भी ऐड कर दिया था गाइस, ये देखे फ्रेंड्स पानी भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से वॉश करके इनको मिर्चों को हम ऐड करेंगे। नमक मिर्च मैंने अपने हिसाब से ऐड किया, अपने हिसाब से आप ऐड करें घी नमक मिर्च ये चीज़ें। तो आँच को मैंने धीमा कर दिया है, ये देखिए फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार सी ये देखें मसूर जो है वो हो चुकी है तैयार। बस 2 मिनट और
बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी और देसी तरीके से बनाई गई हमने ये मसूर। आप भी ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। धुआँ आ रहा है इस वजह से सही तरह से बन नहीं रही वीडियो भी। बस जब 2 मिनट और हमें इसको बनाएंगे पकाएंगे मज़ीद 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी भुना कुटा हुआ सूखा ज़ीरा 1/2 चम्मच, ज़्यादा नहीं ऐड करना। जी फ्रेंड्स, हमारी जो मसूर है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही ईजी है, तो मैंने कह सकती मज़ेदार सी, क्योंकि मैं कभी खाती नहीं हूँ, कम खाती हूँ। कभी कभार मजबूरी में खानी पड़ी तो खाती हूँ, वरना नहीं खाती। तो मैं आपको दिखाती हूँ, डिश आउट करके दिखा देती हूँ मैं आपको। धुआँ है काफ़ी, धुआँ भी आ रहा है। देसी तरीके से, आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार सी जो है ये मसूर हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय, सी यू। मुझे दुआ में याद रखना।